मैं हमेशा यूँ सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लगा। दंगल 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 क्या गीता ने बताए अपने इरादे? क्या गीता करेंगी महावीर जी को रिप्लेस? क्या होगी फिल्म की कहानी? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडीगार्ड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। दंगल 2 को लेकर बहुत सी चर्चा उठी है और नितेश तिवारी जी जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं काफ़ी समय से लाइमलाइट में हैं। इस फिल्म को लेकर काफ़ी बातें आगे आ रही हैं और क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी ये जानने के लिए जनता बहुत एक्साइटेड है। एक नया एंगल ये सामने आया है कि जैसे महावीर फोगाट अपनी दोनों बेटियों के लिए कोच और मेंटर दोनों थे, वैसे ही फिल्म दंगल 2 में गीता एक बड़ी बहन और मेंटर किरदार निभाती नजर आएगी। वो अपनी बाकी बहनों के लिए एक मोटिवेशन होगी, उसी के साथ साथ वो उन्हें गाइड करती भी नजर आएंगी। आमिर खान जो फिल्म दंगल 2 में महावीर जी के रोल में नजर आए थे, वो फिल्म दंगल 2 के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, पर फिल्म मेकर सब एक नए ट्विस्ट के साथ आए हैं। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि फिल्म फीमेल सेंट्रिक हो और गीता गोल्ड जीतने के बाद अपनी बहनों को रेसलिंग में आगे बढ़ने में मदद करे। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी और दूसरा कारण ये है कि आमिर खान काफ़ी बिजी चल रहे हैं, उनकी डेट्स मिल पाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए फिल्म मेकर्स एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट के साथ ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हालांकि ये कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज की माने तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो सकता है। सोर्सेज ने ये भी बताया कि अगर ऐसा होता है तो आमिर खान नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म दंगल के सक्सेस का कुछ क्रेडिट तो वो खुद को भी देते हैं और इससे ज़्यादा उनकी इस फिल्म से इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी हुई है। तो देखना ये होगा कि क्या मेकर्स फिल्म को डिले करने के लिए तैयार हैं या फिर वो आमिर को नाराज करके स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी जनता ये वीडियो देख रही है वो क्या सोचती है इस बारे में हम जानना चाहेंगे, तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स को और हमें ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। गीता फोगाट काफ़ी एक्साइटेड है इस नए रोल को लेकर और इस फिल्म में जो भी हीरोइन ये रोल अदा करेगी उनके साथ काम करने के लिए वो तैयार हैं। गीता अपनी गाइडेंस से और भी रेसलर्स को मोटिवेट करना चाहती हैं। इसमें उनके पिता महावीर जी को उन पर गर्व है और वो भी स्टोरी लाइन को अप्रूव कर चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या फाइनल होता है इस फिल्म के लिए। कहानी तो नई ही होगी, ऐसा खुद फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी जी कह चुके हैं। उनके हिसाब से फिल्म का प्लॉट रेसलिंग ही होगा, लेकिन इस बार वो कुछ नया दर्शाना चाहते हैं जिसकी तलाश में वो जुट गए हैं। इस फिल्म से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉडीगार्ड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।